लिपुंगा के जंगल में घंटों की मुठभेड़, दोनों तरफ से गोलीबारी, लेकिन सुरक्षा बल बढ़ गए नक्सलियों पर भारी। जंगल में ही हो गया लाल आतंक का फुल एनकाउंटर, सुरक्षा बलों की गोलियों से ढेर हो गया 5 नक्सली। ना सिर्फ मार गिराए गए बल्कि नक्सलियों के बीच घुसकर 2 हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी भी हुई है। दिनों पहले तक जो दुरू जंगल इनएक्सेसिबल एरिया थे, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं था, न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बल्कि गांव वालों के लिए भी, जो कि अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए निकलते थे जंगलों में और इन सब क्षेत्रों में, तो न सिर्फ उनके माइंड्स की वजह से शरीर अपंग हो जाता था, क्षतिग्रस्त होते थे, बल्कि पिछले साल तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी मौतें भी जो सामान्य निर्दोष नागरिक हैं उनकी हुई हैं। इसी में इन सब चीज़ों को, इन समस्याओं को दूर करने में ही ये लगातार अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पास्ट में कुछ पहले जो है, थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन्हीं अभियान में नुकसान उठाना पड़ा था, शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन उन सब जो एक्सपीरियंस हैं उनको देख करके, उनको सीख करके और उनके द्वारा जो लेसन्स मिले हैं उन्हीं को देख करके अब ये अभियान और भी बहुत तीखा और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके के अपेक्षित परिणाम हैं वो सब सिक्योरिटी फोर्सेज को जो इसमें शामिल हैं उन सबको मिलेंगे। चाईबासा में सुरक्षा बलों के कामयाबी की ये कहानी है, नक्सलियों के नेस्त नाबूद होने की ये कहानी है। सर्च ऑपरेशन में लिपुंगा जंगल में 5 नक्सली ढेर हुए हैं, मुठभेड़ में मारे गए सभी नामी नक्सली हैं। नक्सली सिंगराई पर था 10 लाख रुपए का इनाम, नक्सली सूर्या पर था 5 लाख रुपए का इनाम। मुठभेड़ में जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर ढेर हुआ है, नक्सलियों का एरिया कमांडर भी ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली भी मारी गई है, 1 इंसास, 2 SLR और 3 राइफल समेत 1 9mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। झारखंड में नक्सलवाद अपने अंतिम कगार पर है, बिहड़ में घुसकर सुरक्षा बल नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं, दबोच रहे हैं और मार गिरा रहे हैं। चाईबासा में हाल के दिनों में लाल आतंक के खिलाफ जो भी एनकाउंटर हुए हैं उससे अब लगने लगा है कि नक्सली अब अपना यहां से गढ़ खो रहा है। जंगल में हर घमासान का एक ही रिजल्ट आ रहा है, नक्सली ढेर। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान का यह हिस्सा है कि मार्च में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था, अप्रैल में एक साथ 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, मई में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त किए गए थे, जून में नक्सलियों के LMG SLR समेत कई हथियार जब्त किए गए थे। ग्राम लिपुंगा और कुलाईसाई के जंगल के बीच में सुरक्षा बलों को देखते ही माओवादियों के द्वारा उन पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में सुरक्षा बलों के द्वारा करारा जवाब दिया गया और फायरिंग रुकने के बाद जो सर्च किया गया उसमें 4 नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही साथ अग्रतर सर्च में 2 नक्सलियों को उस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और कुल 6 बड़े हथियार और 1 9mm पिस्टल वहाँ से बरामद किया गया। और सर्च अभियान जारी था तब लगभग दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास एक अन्य महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ था उस क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर 5 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है एवं 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ 6 बड़े हथियार जिसमें एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 303 राइफल और 1 9mm का पिस्टल है, कुछ डेटोनेटर्स हैं, गोला बारूद और दैनिक उपयोग की ढेर सारी सामग्री, दवाइयाँ और लगभग 18 से 20 लोगों के रुकने की व्यवस्था वहाँ पे थी। सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है, मुठभेड़ में मारा गया जो 10 लाख का इनामी है। लाल आतंक पर इस साल की ये अब तक के सबसे बड़ी चोट है। नक्सलियों को सीधा सा मैसेज है, या तो सरेंडर करो या मार गिराए जाओगे। राज्य के जो DGP हैं अजय कुमार सिंह यहाँ जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए पहुँचे थे और उन्हें प्रशस्ति पत्र लेकर और पूरे टीम को, जिसमें कोबरा 209 की बटालियन, CRPF 26 बटालियन के अलावा झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की टीम शामिल थी, उसके अलावा उनके जो बड़े पदाधिकारी उनको भी सम्मानित किया गया। और उन्होंने कहा है नक्सलियों से कि वे जो सरकार की पुनर्नीति, जो पुनर्वास नीति है उसके तहत
समर्पण करें, उनको जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा सुविधा उनको उसका लाभ लें, अन्यथा आज नहीं तो कल उनको सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराया जाएगा। हरी शर्मा 99 चाई बस।